डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम साइक्लोस्ट्रोमेटा के बारे में पढ़ेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर जगदीश प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज देवली। जैसा कि हम जानते हैं कि कॉर्डेट जो है उसमें क्रेनेटा और एक्रेनेटा दो बड़े ग्रुप बनाए गए थे, और जो एक्रेनेटा है उसमें प्रोटोकॉर्डेट्स को रखा गया था, और इसी में हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को रखा गया, जो कि अपन पहले ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में। और उसके बाद में जो हायर कॉर्डेट्स हैं उसको जबड़ों की उपस्थिति के आधार पर दो ग्रुप में बांटा था, एक ग्नेथोस्टोमेटा और ग्नेथोस्टोमेटा। एक ग्नेथोस्टोमेटा का मतलब ये होता है कि ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर जबड़ों का पूर्णतः अभाव होता है, और जब इनमें जबड़े नहीं पाए जाते तो इनका मुख जो होता है वो गोल और चूसक नुमा होता है। इसमें दो जो ग्रुप अपन ने रखे थे, ओस्टियोकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा। और ओस्टियोकोडर्मी जो ग्रुप है उसके सभी जो एनिमल्स हैं वो विलुप्त हो चुके हैं, और साइक्लोस्टोमेटा है उसके बारे में आज अपन पढ़ना चाह रहे हैं। साइक्लो का मतलब होता है गोल और स्टोमा का होता था माउथ, यानी ऐसे जंतु जिनका मुख गोल होता है क्योंकि इसके अंदर जबड़े नहीं पाए जाते हैं। देखते हैं कि साइक्लोस्टोमेटा के जनरल करेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या जनरल करेक्टर्स अपन देखते हैं। पेन लेता हूँ मैं। सबसे पहले बॉडी इज इलोंगेटेड, बॉडी इलोंगेटेड और ईड लाइक। इसका मतलब यह है कि इनका जो शरीर होता है वो लंबा होता है और ईड लाइक होता है। ईड लाइक मतलब ये होता है कि इसके ऊपर किसी भी प्रकार के बाह्य उपांग जो है वो नहीं पाए जाते। सर्पनुमा इनका जो शरीर होता है और बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे ये सर्प ही हो। अतः बॉडी इलोंगेटेड और ईड लाइक होती है। इनके इनके शरीर के ऊपर जो मध्य जो भाग है, मीडियन जो फिन है वो पाया जाता है, और इनके शरीर जो आंतरिक जो कंकाल है वो कार्टिलेजिनस होता है, और इनके जो फिन रेज होती है वो भी कार्टिलेजिनस जीनस होती है। इसमें जो युग्मित उपांगों का पूर्णतः अभाव होता है, और इनकी जो टेल जो होती है वो डाइफाई सर्किल होता है। टेल डाइफाई सर्किल होने का मतलब ये है कि जैसे ये जो है ये अपर टेल है और नीचे वाली ये टेल है, यानी कि अपर पार्ट और टेल का नीचे वाला पार्ट दोनों एक जैसे होंगे, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, डाइफाई सर्किल टेल बोलते हैं। इनकी जो स्किन जो होती है वो बिल्कुल मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है, और इसके अंदर एक एक कोसी की म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है, और इसमें किसी भी प्रकार के स्केल्स नहीं पाए जाते हैं, यानी कि इनकी बॉडी पर किसी भी प्रकार के स्केल्स नहीं पाए जाते हैं। और म्यूकस ग्लैंड की उपस्थिति के कारण जो इनका जो शरीर होता है वो बिल्कुल लसलसा तथा चिकना होता है। जैसे मेंढक होता है उसमें भी म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है। जब हम मेंढक को पकड़ते हैं तो अपने हाथ से फिसल करके भाग जाता है, क्योंकि उसके ऊपर म्यूकस की जो लेयर है वो पाई जाती है जिसकी बॉडी लसलसी होती है। ठीक उसी प्रकार इनके अंदर भी त्वचा के अंदर एक कोसी की म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है, जिसकी वजह से ये जो इनका शरीर है वो चिकना होता है। इनकी जो बॉडी को अगर देखें तो इसमें दो पार्ट स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, ट्रंक और टेल, यानी कि मुख्य भाग और इसकी टेल। और इसकी जो इसकी जो बॉडी है उसके अंदर मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी पाई जाती है, यानी कि जो मसल्स जो होती है वो आंतरिक रूप से अलग विभाजित होती है, और माइकोमेटा जो है उसके द्वारा ये माइटोम्स है वो सेपरेट होते हैं। मसल्स के जो बंडल्स होते हैं वो माइटोम्स कहलाते हैं, और माइकोमेटा के द्वारा ये सेपरेट होते हैं। इनमें आंतरिक जो कंकाल है वो फाइब्रस और कार्टिलेजिनस होता है। इसमें नोटोकोड जीवन पर्यंत पाई जाती है, यानी कि लार्वा एडल्ट सबके अंदर इसके अंदर जो अवस्थाएं हैं उसके अंदर नोटोकोड उपस्थित पाई जाती है। और इसमें परफेक्ट जो न्यूट्रल आर्चीज है वो भी पाई जाती है। इसमें जबड़े पूर्णतः अवकर्षित होता है, अतः इसको अपन क्या बोलते हैं, एक ग्नेथोस्टोमेटा कहते हैं। जैसे ये एक इसमें जो मुख्य जो प्रतिनिधि जो इसका जो जंतु है वो है लेम्प्रे, जिसको अपन जो साइंटिफिक नेम है पेटोमाइजोन मेराइनस। इसमें हम देख सकते हैं कि इसकी जो बॉडी है वो बिल्कुल ईल लाइक बॉडी होती है, और इसमें केवल मिड डोर्सल जो फिन है वो पाया जाता है, अनपेयर्ड फिन पाए जाते हैं। और जो कोडल फिन जो है इसकी जो टेल होती है वो क्या होती है, डाइफाई सर्किल होती है, यानी अपर टेल और निचली टेल दोनों जैसे एक जैसी ही होती है। इसके अंदर जो आईज है, नोस्टिल्स है,
हेड वगैरह, ये सब चीज़ें पाई जाती है। और इसमें इम्पोर्टेंट जो ये है कि इसमें जो गिल स्लिट्स जो होती है, गिल स्लिट्स की जो संख्या होती है वो 7 जोड़ी गिल स्लिट्स पाई जाती है, और प्रत्येक गिल जो है एक अपनी सेपरेट ओपनिंग के द्वारा बाहर की ओर खुलता है। बीच में जो मुख्य जो भाग है उसका वो ट्रंक रहता है, और पोस्टीरियर जो भाग है उसको अपन टेल के नाम से जानते हैं। और जैसे कि हमने पहले कहा था कि इनके अंदर जो टेल है वो डाइफाई सर्किल होती है, तो इस टाइप की जो फिशेज जो होती है उसके अंदर जो टेल होती है वो अलग अलग प्रकार की टेल इनके अंदर पाई जाती है। जब अपन फिशेज के बारे में पढ़ेंगे तो जो कोडल फिन्स होते हैं उनकी साइज़ के आधार पर इनको अलग अलग वर्गों के अंदर जो है उन बांटा गया, उसका नाम भी अलग अलग दिया गया, तो ये उस समय अपन देखेंगे। अभी इसको अपन एस्केप कर लेते हैं। देखिए कि ये जो है इसमें अपन ने बात की थी कि इसमें 7 पेयर गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, और ये गिल स्लिट्स है वो गिल पाउचेस के रूप में पाई जाती है, और प्रत्येक गिल पाउच है एक सेपरेट ओपनिंग के द्वारा बाहर की ओर खुलती है। जैसे कि अपन पेन लेता हूँ मैं, जैसे ये एक गिल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये अपने आप में एक 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 सेपरेट गिल के द्वारा गिल स्लिट्स के द्वारा बाहर की ओर खुलते हैं। और जो दूसरे जो जंतु है जैसे मिक्सिन वगैरह की बात करेंगे तो इसके अंदर जो गिल पाउसेस है, गिल पाउसेस जो है एक यूनाइटेड हो जाते हैं, यानी कि यूनाइट हो जाते हैं और एक कॉमन पोर के द्वारा बाहर की ओर खुलते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो पेटोमाइजोन है उसके अंदर सेपरेट गिल्स, 7 पेयर सेपरेट गिल्स पाए जाते हैं, जबकि इनके अंदर ये जो गिल्स है यूनाइट हो जाते हैं और एक एपरेचर के द्वारा बाहर की ओर खुलते हैं, जैसा कि मिक्सिन में होता है। और ये जो जो स्लाइड जो माइकोमेटा है, यानी कि माइटोम्स जो है वो मसल्स के बंडल्स होते हैं जो कि माइकोमेटा के द्वारा सेपरेट होते हैं, और इसमें इम्परफेक्ट न्यूरल आर्चेस पाई जाती है, आर्क्यूलिया जिसको अपन कहते हैं, ये इम्परफेक्ट न्यूरल आर्चेस के अंदर पाई जाती है। फिर देखते हैं जनरल करेक्टर्स आगे 7th के करेक्टर्स जो है। जैसे कि इसका जो माउथ जो होता है, इनके अंदर माउथ वेंट्रल होता है, सेक्टोरियल होता है और सर्कुलर होता है, क्योंकि जबड़े नहीं पाए जाते तो क्या होता है चूसक नुमा इसका माउथ पाया जाता है, और इसीलिए इसका नाम अपन ने क्या रखा है साइक्लोस्टोमेटा इसका नाम रखा है। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो पूर्ण कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो नहीं पाया जाता, यानी कि इसमें जो स्टोमक जो होता है आमाशय होता है वो पूर्णतः अनुपस्थित होता है, और इंटेस्टाइन जो होती है उसके अंदर एक प्रकार का फोल्ड पाया जाता है जिसे अपन टिप्लोसोल कहते हैं। इस टिप्लोसोल की वजह से अवशोषण क्षेत्र जो है वो बढ़ जाता है। इसमें जो गिल्स की जो संख्या होती है वो 5 से लेकर के 16 जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं, और लेटरल सेक यानी कि जो पासुरी जो पाउच लाइक संरचनाओं के अंदर फेरिंग्स से जुड़े होते हैं। और इसमें जो जैसा कि मार्सिपो ब्रेंकी ईल गिल स्लिट्स 1 से 16 पेयर इसके अंदर पाए जाते हैं। इनका जो हृदय जो होता है, हार्ट जो होता है वो क्या होता है जिसके अंदर केवल 2 चैम्बर पाए जाते हैं, एक एक ओरिकल और एक वेंट्रिकल, यानी कि इसमें द्विकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। और इसमें हिपेटिक तथा रिटर्न पोर्टल सिस्टम का पूर्णतः अभाव होता है। इनके अंदर ल्यूकोसाइट तथा आरबीसीज पाई जाती है, और इनकी आरबीसीज जो होती है वो क्या होती है सर्कुलर होती है। इनका बॉडी का जो टेम्परेचर है वातावरण के टेम्परेचर के साथ में बदलता रहता है, और इस प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं उनको अपन पोइकिलोथर्मस एनिमल्स बोलते हैं। और इनके अंदर जो किडनी होती है वो मीजोनेफ्रिक प्रकार की किडनी पाई जाती है, मीजोनेफ्रिक प्रकार की किडनी पाई जाती है, और यूरिनोजेनाइटल जो कि यूरिनोजेनाइटल पेपिला के द्वारा मूत्र को बाहर की ओर त्यागने का कार्य करती है। जैसे कि इसके हमने इसके इसके माउथ के बारे में बात की थी, तो फर्स्ट जो डायग्राम है ये इसके माउथ की संरचना को बताता है, क्योंकि इसका माउथ क्या होता है गोल होता है, और इसके अंदर जो टीथ जो होते हैं उनकी अलग अलग जो है पंक्तियाँ इसके अंदर पाई जाती है, और ये चूसक की तरह कार्य करता है। और ये पेटोमाइजोन जो है जो फिशेज जो होती है उसके बाह्य त्वचा के ऊपर चिपकी हुई पाई जाती है, और एक्सटर्नल पैरासाइट के रूप में ये पाई जाती है। ये अपन इसको देख सकते हैं इसके माउथ को कि किस तरीके इसके अंदर जो ये जो इसके टीथ है वो हॉर्नी टीथ इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि
जो फिश की त्वचा है उसके ऊपर या फिश के ऊपर चिपकने का कार्य करती है, और इसे एंगिवेरस होते हैं, मतलब कि ये खून के चूसने का कार्य करती है, सेक्टोरियल होते हैं। और इसकी जो अगर इसकी बॉडी का अनुप्रस्थ काट काट करके देखें तो इंटेस्टाइन की बात करें तो इसके अंदर ये एक इस टाइप का एक उभार पूरी इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टिप्लोसोल बोलते हैं। और ये टिप्लोसोल जो है वो इंटेस्टाइन की जो आंतरिक जो ल्यूमन होती है उसके अंदर उपस्थित होता है। अगर इसमें अपन जो नर्व है, डोर्सल नर्व जो है उसकी बात बात करें तो इसमें 8 से 10 जोड़ी जो जो है वो क्रेनियल नर्व्स इसके अंदर 8 से 10 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स पाई जाती है। जबकि जो एम्फीबिया जो हायर एनिमल्स है उसके अंदर 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स पाई जाती है, जबकि पेटोमेजोन और ये जो साइक्लोस्टोमेटा है उसके अंदर केवल 8 से 10 जोड़ी जो क्रेनियल नर्व्स है वो पाई जाती है। इसमें एक मोनोराइजनस कंडीशन पाई जाती है, यानी कि इसमें नोस्टिल जो होता है उसकी संख्या एक ही होती है, और इसके कान में जो ऑडिटरी ऑर्गन होता है उसमें एक या दो सेमी सर्कुलर किनार की उपस्थिति पाई जाती है। इसमें गोनेट्स जो होते हैं वो सेपरेट या यूनाइटेड हो सकते हैं, और गोनेट सिंगल होते हैं, बड़े साइज के होते हैं, और विदाउट गोनोडक्ट्स होते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार के जो गोनोडक्ट्स है वो इनके अंदर नहीं पाई जाती। इनके अंदर निषेचन जो होता है वो बाह्य होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सोर्स हो सकता है। जब डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो लार्वा अवस्था अनुपस्थित होगी, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो उसके अंदर लार्वा अवस्था उपस्थित होती है। और जो साइक्लोस्टोमेटा है, साइक्लोस्टोमेटा को हम जो है दो ऑर्डर के अंदर बांटा गया है। पहला जो ऑर्डर है उसको पेटोमाइजोन्टिफॉर्मिस बोलते हैं, और देखते हैं पेटोमाइ और इसके अंदर जो मुख्य जो प्रतिनिधि जंतु है उसका पेटोमाइजोन है। जैसे इसके अंदर सबसे पहले जो करेक्टर देखते हैं कि इसका जो माउथ जो होता है वो वेंट्रल साइड पर होता है, और जो माउथ की जो संरचना होती है वो चूसक नुमा एक बकल फनल के रूप में पाई जाती है, और इसके अंदर हॉर्नी टीथ पाए जाते हैं जो कि अपन पहले डायग्राम के अंदर देख चुके हैं। इसके अंदर जो नोस्टिल होता है वो एक नोस्टिल पाया जाता है, और इसके अंदर मोनोराइनस कंडीशन पाई जाती है। इसमें गिल पाउचेज जो होती है यानी गिल्स जो होते हैं वो 7 पेयर्स होते हैं, और अलग अग जो ओपनिंग है उसके द्वारा गिल स्लिट्स के द्वारा फेरिंग्स रीजन में बाहर की ओर खुलते हैं। इसमें डोर्सल जो फिन है वो पूर्णतः विकसित होता है, वेल डेवलप्ड डोर्सल फिन पाया जाता है, और इसमें ब्रिंकियल बास्केट, कंप्लीट ब्रिंकियल बास्केट पाई जाती है। इसमें जो स्पाइनल जो नर्व्स निकलती है वो डोर्सल और वेंट्रल जो रूट्स है वो अलग अलग होती है, जबकि अगला वाला जो ग्रुप देखेंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि डोर्सल और वेंट्रल रूट जो होती है वो एक ही होती है। इसमें जो जो इंटर जो ईयर है उसके अंदर दो सेमी सर्कुलर किनार्स की उपस्थिति देखी गई है। इसमें एक बार में कई अंडे इसके द्वारा दिए जाते हैं, छोटे अंडे दिए जाते हैं, और इसके अंदर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, और लार्वा स्टेज जो है वो मेटामॉर्फोसिस करने के बाद में एडल्ट के अंदर बदलती है। और ये दोनों प्रकार के जल के अंदर पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मेराइन वाटर के अंदर भी पाए जाते हैं। इसमें जैसे मुख्य जो जंतु इसका है लेम्प्रे है, और इसमें लगभग लेम्प्रे की 30 स्पीसीज जो है वो पाई जाती है, जैसे पेटोमाइजोन है, लेम्प्रेटा है, इस प्रकार की बहुत सारी जो है इक्थोमाइजोन है। ये जो जो है जो एनिमल्स है उसको अपन एक ऑर्डर में रखते हैं जिसको अपन बोलते हैं पेट्रोमाइजोन्टिफॉर्मिस। जैसे ये डायग्राम आप देख सकते हैं, माउथ सेक्टोरियल है, और ये एक एक लेम्प्रे जो है उसका ये स्लाइड है, ये बाह्य स्ट्रक्चर है, बाह्य संरचना के अंदर देखें तो पेट्रोमाइजोन की पेट्रोमाइजोन मेराइनस, जो कि ये भी इसी का एक जंतु है। सेकेंड जो ऑर्डर है इसका है मिक्सिनी फॉर्मिस, जिसके अंदर जो मेन जो प्रतिनिधि जंतु है इसमें वो है मिक्सिनी, जो आप पढ़ चुके हैं उसके बारे में पहले भी सब कुछ जान देंगे। देखते हैं इसके अंदर जो क्या क्या इसमें लक्षण है वो देखते हैं अपन। इसकी जो जो क्लास की जो सभी जंतु हैं उनको अपन हेग फिशेस भी कहते हैं, और ये पूर्णतया मेराइन होते हैं, केवल समुद्री जल के अंदर पाए जाते हैं। इनके जो माउथ जो होता है
वो टर्मिनल होता है, इस तरीके से माउथ जो है था वो टर्मिनल होता है, और उसके ऊपर चार जो जोड़ी है वो टेंटिकल्स पाए जाते हैं, चार पेयर जो टेंटिकल्स पाए जाते हैं, और दांतों की संख्या जो होती है कम होती है, इसमें बकल फलन नहीं पाया जाता है। इसमें जो नोस्टिल होता है वो टर्मिनल होता है, इसमें भी क्या होता है मोनोराइनस कंडीशन पाई जाती है। इसमें गिल पाउचेज जो है वो 16 से 6 से लेकर के 15 जोड़ी पाए जाते हैं, और सभी पाउचेज एक कॉमन पोर के द्वारा बाहर की ओर खुलते हैं। इसमें डोर्सल जो फिन है वो एब्सेंट होता है। इसमें ब्रिंकल बास्केट जो है पूर्णतः विकसित नहीं होती है, और डोर्सल तथा वेंट्रल जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो उनकी जो रूट्स होती है वो एक ही होती है, यानी कि निकल के बाद में ये यूनाइट हो जाती है। इनका जो ईयर है उसके अंदर केवल एक ही सेमी सर्कुलर केनाल उपस्थित होती है। इनके अंडे जो होते हैं वो कम संख्या में दिए जाते हैं, बड़े आकार के होते हैं, और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। इसमें हेक पीसीएस को रखा गया जिसकी लगभग 15 स्पीसीज इसके अंदर आती है, और प्रतिनिधि जंतु के रूप में अपन मेगाजाइन जो है इसको अपन को पढ़ते हैं, और सेकंड जो है ब्लेडोस्टोमा भी इसी का एक जंतु है। जैसे ये जो मेगाजाइन है इसमें हेगफिश के नाम से अपन इसको जानते हैं। ये माउथ की इसके बारे में बात की थी अपन, कि इसके ऊपर जो है पेयर के रूप में टेंटिकल्स इसके माउथ के ऊपर पाए जाते हैं, और माउथ जो है उसके अंदर टीथ का कम संख्या में टीथ पाए जाते हैं। ठीक है, थैंक यू इसके लिए।